हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हर जगह हो रहा है परिणीति का ही चर्चा, क्योंकि परिणीति की होने वाली है शादी। अरे गाइस, ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि ऐसे कह रही है कई रिपोर्ट्स लगातार। जब से परिणीति चोपड़ा को देखा जा रहा है आपके सांसद के साथ, तब से ही उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही अब बढ़ने लगी है राघव चड्ढा के साथ। और लगातार राघव और परिणीति एक दूसरे के साथ हो रहे हैं स्पॉट, और फैंस को अब इन दोनों की शादी का है बेसब्री से इंतजार। अभी बीते दिनों आप पार्टी के सांसद राघव के ही एक करीबी ने बता दिया था इन दोनों के रिश्ते का सच, और इन दोनों को दे दी थी ढेर सारी बधाई। और अब यहाँ पर परिणीति चोपड़ा के को स्टार रह चुके, जी हाँ, हार्डी संधू की बात कर रही हूँ, जो कि फेमस एक्टर हैं और सिंगर भी हैं। उन्होंने अब परिणीति और राघव की शादी पर कर दिया है कमेंट और दे दी है इस जोड़ी को ढेर सारी बधाई। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने परिणीति को राघव के साथ बड़ी नजदीकियों और होने वाली शादी को लेकर कई सारी बेस्ट विशेस और गुड लक भी कहा है, और साथ ही कहा है कि बहुत अच्छे लगते हैं ये दोनों। और ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया है जब हार्डी ने परिणीति के साथ बॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया था, उस दौरान ना, उस फिल्म का नाम था कोट तिरंगा। और उस दौरान ये कहा है हार्डी ने कि परिणीति से जब उनकी शादी को लेकर सवाल किया जाता था, तो परिणीति कहती थी शादी तो मैं तभी करूंगी जब मुझे मेरा मिस्टर राइट मिलेगा। और अब जब परिणीति और राघव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, दोनों लंच और डिनर डेट पर जा रहे हैं, और खबरें आ रही हैं कि जो परिणीति चोपड़ा है उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा भी अब भारत आई है, तो कल उन्होंने जो नीता मुकेश अंबानी का जो कल्चरल कॉन्सर्ट था उसे तो अटेंड कर लिया, लेकिन अब वो परिणीति के बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड आप कहें या ना कहें, राघव चड्ढा से मिलने वाली हैं। तो ऐसे में अब ये खबरें ना बहुत ज्यादा कंफर्म होती नजर आ रही हैं, जब से हार्डी ने भी इस कपल को बेस्ट विशेस दी है। तो गाइस, हमारी भी तरफ से इस नए नए बने कपल को ढेर सारी बधाइयां, लेकिन कब होगी शादी ये फिलहाल साफ नहीं हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।